फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू व्हेन एवर वी हैव टू आंसर दिस वर्ड योगा यू हैव टू राइट वन और टू डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑथर्स, ठीक है, वो आप कोई भी आप लिख सकते हो जिसमें आपका दिगंबर जी है, पतंजलि ही है, ठीक है, उनकी डेफिनेशन कोई भी ऑथर्स की आप दे सकते हो व्हेन एवर देयर इज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग योगा। तो उसमें सबसे सिंपल आपको अपना जो एक डेफिनेशन है दिगंबर जी की है, योगा इज अ यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा, सिंपल है, यू कैन लर्न इट, यू कैन राइट इट इन एग्जाम्स, ठीक है। यूनिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं यूनियन ऑफ आत्मा विथ परमात्मा, सिंपल है अकॉर्डिंग टू दिगंबर जी, यूनिफिकेशन यूनियन ऑफ आत्मा विथ परमात्मा, सिंपल वर्ड, दैट इज योगा। योगिक क्रियाएं बेटा डिफरेंट टाइप्स की होती हैं और ये आज से नहीं, बहुत पहले से योगा चल रहा है। जितने हमारे पुराने संत साधु समाज के लोग हैं अभी भी आपने देखा होगा, सम दे आर हट योगीज, ठीक है, वो डिफरेंट आसन में बैठ जाते हैं फॉर आर मैनी मैनी आपका आज कह लो डेज कह लो, वो एक ही मुद्रा में एक ही आसन में खड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें योगा से रिलेटेड है, यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, यू कैन क्लीन योर बॉडी, यू कैन कंसंट्रेट, ठीक है, आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप बॉडी का एक एक पार्ट थ्रू दिस योगिक एक्सरसाइजेस डिफरेंट आसनास, देयर इज अ डिफरेंट आसनास, यू कैन क्लीन योर बॉडी, यू कैन कंट्रोल योर बॉडी, ठीक है। जितने बड़े बड़े लोग हैं कंसंट्रेशन के लिए योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए आप डिफरेंट एक्सरसाइजेस करते हैं, दैट इज डिफरेंट क्रियाज ऑफ योगिक एक्सरसाइजेस। योगा का बहुत ज्यादा रोल है आपके डे टू डे लाइफ में। नाउ यू हैव सीन द लास्ट टाइम देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द डॉक्टर्स एंड योग गुरु स्वामी रामदेव जी, ठीक है। उन्होंने डॉक्टर्स को कहा था कि जो आप ये वैक्सीनेशन दे रहे हो कोरोना, ठीक है, जो मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं हम उसको अपनी तरीके से ठीक कर रहे हैं, दैट इज अ देयर एक्सपीरियंस। एक आपने डिफरेंट पीपल्स पे जो आप एक्सपीरियंस उसका लेते हो, ठीक है, वो एक आपकी अलग मेडिसिन बन जाती है। जैसे आप कोई भी वो बोलते हैं कि जो आपका मेडिसिन लाइन है दैट इज गुड फॉर सर्जरीज, अगर किसी की सर्जरीज करनी है इमीडिएट उसको किसी को ट्रीट करना है, जो कोई इमरजेंसीज होती हैं उसके लिए वो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, उसके लिए आपका जो आपका जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको कहा था दैट इज गुड, बट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, जैसे डिफरेंट आपके डिजीज हैं, बीपी है, इंटरनल कोई प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, उन्होंने कहा था कि ऑन रिटर्न आई कैन क्योर दैट पर्टिकुलर डिजीज विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट योगिक आसनास, योगी की जितनी क्रियाएं होती हैं, जितने वो मेडिटेशन करते हैं, आसन करते हैं, ठीक है, तो वो उनमें कॉन्ट्राडिक्शन बहुत ज्यादा हो गई थी, दैट इज गोज अप टू द हायर गवर्नमेंट लेवल तक चली गई थी, डॉक्टर्स ने बड़ा उनको बोला था कि इनको बिल्कुल अवॉइड करो, ये ऐसे बोल रहे हैं, बट दे आर देयर ऑन। ये जो जितनी भी योगिक एक्सरसाइजेज हैं इसको कोई हम सिर्फ एक्सपीरियंस के थ्रू हम बता सकते हैं, अगर आपके पास 100 कोई आ रहे हैं सीखने के लिए उसमें से किसको बेनिफिट मिल रहा है क्या नहीं है, एंड ही हैज शोन सम, उन्होंने प्रैक्टिकल भी उन्होंने दिया था कि डॉक्टर्स के ये आपके डिफरेंट एक्सरेज हैं, ये रिपोर्ट है आफ्टर डूइंग दिस योगिक एक्सरसाइजेस, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा आराम मिला है, ठीक है। तो उन्होंने प्रैक्टिकल शो किया था कि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्योरिंग एक्सरसाइजेस। अब आपने क्या है योगा का, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जब भी हम योगा करते हैं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज योगा, डिफरेंट पोस्चर्स स्ट्रेचिंग के हमारे वही होते हैं, आप योगा करते हो उसमें भी वही होता है, ठीक है। अब सपोज वी आर बेंडिंग, वी आर टचिंग आवर टोज इन एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज इन वार्मिंग अप, वही आप उसमें एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा के डिफरेंट आसनास हैं। बट वेन एवर बेटा ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वेन एवर वी आर डूइंग दिस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एक्सरसाइज करते हैं स्ट्रेचिंग, वहां पे हमको कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ कनेक्टिविटी नहीं होती है कि वी आर सपोज वी आर स्विंगिंग आवर आर्म्स, ठीक है, तो वहां हम ये नहीं बोलते हैं कि आपने इनहेल करना एक्सहेल करना है, बट वाइल यू आर डूइंग दिस योगिक आसनास एक्सरसाइजेज देयर इज ऑलवेज कनेक्शन विद रेस्पिरेटरी सिस्टम,
ठीक है, वहां पे आपने इनहेल करना है, सांस को लेना है लंबा, फिर छोड़ना है, ठीक है। ऐसे हम पहले आर्म अप करते हैं, सांस को लेंगे, फिर बेंड डाउन करेंगे, छोड़ेंगे। तो ये सारा ब्रीदिंग के साथ चलते हैं आपका। इसमें मेन डिफरेंस आपका योगा में और हमारी डिफरेंट एक्सरसाइजेज में यही है। तो इसमें योगा में फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन आपने, यू हैव टू राइट व्हेन एवर देयर क्वेश्चन कि व्हाट इज योगा, डिफाइंड योगा, तो यू हैव टू मेंशन वन और टू डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑथर्स, ठीक है। तो उसमें आप दिगंबर जी, पतंजलि, यू कैन राइट एनी वन, ठीक है। तो इसमें जो हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे आपका इंपॉर्टेंस से, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, ठीक है, कहाँ कहाँ हम इसके बेनिफिट ले सकते हैं। अगर हम डेली करते हैं, आपने देखा होगा नाउअडेज डेज मोस्टली पीपल दे आर डूइंग दिस एक्सरसाइजेस, योगिक आसनास डेली। और अभी जितने जैसे आपका कोल्ड, ठंड में क्या है, देयर इज डिफरेंट एक्सरसाइजेस जिसको हम बोलते हैं आपकी प्राणायाम, आपके डिफरेंट प्राणायाम होता है वो है जो आप कोल्ड में करते हो तो आपकी बॉडी एकदम वार्म अप हो जाएगी, ठीक है। अगर आप उसको 10 मिनट्स करते हो, दैट विल बी, मतलब आपको इतना आपको अपने आप पता लगेगा कि योर बॉडी इज गेटिंग हॉट एंड हॉट, वार्म अप जिसको हम बोलते हैं। जितनी भी आपकी प्राणायाम क्रियाएं हैं, नौली है, भस्त्रिका है, शीतली है, ठीक है, भ्रामरीज है, ये आपके डिफरेंट क्रियाएं हैं और ये आपके इंटरनल सिस्टम को क्लीन भी करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द दिस फ्लेक्सिबिलिटी। इफ यू आर डूइंग योगा डेली, व्हाट हैपन, योर बॉडी शुड बी फ्लेक्सिबल। आप कोई भी आसन जो होते हैं, आपने कभी भी देखा होगा आसन के, अगर आपने कभी कोई कॉम्पिटिशन देखे होंगे, देर इज अ डिफरेंट, आपके इंटर स्कूल के भी होते हैं कॉम्पिटिशन योगा के रिलेटेड, वहां पे यू हैव टू डेमोस्ट्रेट डिफरेंट आसनास। आपको वहां पे डिफरेंट पोस्चर वो बता देंगे कि दिस इज सिलेबस इन योर 6th to 10th है या 1st to 5 है, वो आपको एक सिलेबस दिया होता है उन्होंने, उसमें आपको डिफरेंट आसन परफॉर्म करने होते हैं। उसकी लास्ट टाइम भी हमने भेजे थे, उसकी वीडियोस गई थी बच्चों की, ठीक है, ड्यू टू कोविड करके, अदरवाइज वो कॉम्पिटिशन होता है इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, इन विच दे हैव सीन द डिफरेंट योगिक आसनास। वो बच्चे का पहले देखेंगे उसका पोस्चर सही है, ठीक है, उसको एग्जीक्यूशन ठीक कर रहा है, उसकी बॉडी में कितना कंट्रोल है, आप इनहेल एक्सहेल करते हैं, पोस्चर जिसको हम बोलते हैं आपका जो बॉडी का पोस्चर है दैट इज अप टू द मार्क और नॉट, वो सारी एक्टिविटीज देखते हैं। फिर टाइम पीरियड देखते हैं कि आपने उसको एग्जीक्यूट कितने टाइम में किया है। अगर आप डेली ये आसन करते हो, डिफरेंट आसन हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ आसनास, ठीक है, कुछ आसन आपके क्यूरेटिव है, कोई मेडिटेशन से रिलेटेड है, तो वो डिफरेंट कैटेगरीज आसन की बनी है। उसमें क्या होगा, अगर आप डेली करते हो योगी के आसनास, कोई भी आसन अगर करते हो, तो आपकी बॉडी नेचुरली फ्लेक्सिबल होगी। फिर आपका नंबर टू पे क्या होता है, टेंशन। आज की डेट में बेटा सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, टेंशन। नाउअडेज ईच एंड एवरी पर्सन, वेदर ही और शी हैज गुड जॉब, हेल्थ, वेल्थ, उसको कोई साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम रहती है, जिसके पास पैसा है वो और पैसे के पीछे भाग रहा है, ठीक है, जिसके पास सब कुछ है वो कहता है और सब कुछ मिल जाए मुझको। कहने का मतलब है नाउअडेज नन इज सेटिस्फाई विद हिज टूल। बहुत रेयर ऐसे बच्चे, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने काम से, अपने, ठीक है, जो उनके पास है, जो भी इनके पास चीजें उससे सेटिस्फाई हो गए। कोई भी आदमी आज की डेट में सेटिस्फाई नहीं है, इस करके टेंशन होती है। जब आप हर, आपको माइंड में कोई ना कोई चीज आपके रहेगी, नहीं मेरे को ये मिल जाता, वो मेरे को हो जाता है, तो ऑलवेज वो क्या होता है, वो आदमी की इगर जो होती है वो खत्म नहीं होती है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। बट दोज हु आर सेटिस्फाई, वी हैव सीन, आपको वैसे एक एग्जाम्पल होगा, जो बेचारे डेली अपना वर्कआउट करते हैं वही पैसा लेके खाते हैं, ठीक है, बहुत से ऐसे से इंडिया में बेटा लोग हैं जिनको वो सारा दिन काम करेंगे, उसका जो शाम को पैसा मिलेगा उससे अपना अपने फैमिली का गुजारा करते हैं। एज यू नो द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जो आपके बहुत गरीब गरीब जो उससे नीचे हैं, बहुत ज्यादा ऐसे हैं, ठीक है, तो वो फिर भी उनको आपने देखना, वो वर्कआउट करते हैं, वो इतना बीमार भी नहीं होते,
ठीक है, उनके उन्होंने ज्यादा सोचा भी नहीं होता है। जितने भी आप लेबर क्लास के हैं, आप देखना कि वो लोग क्या होते हैं, या टेंशन फ्री, उनको पता जो मिला है, जो काम मिला है, जितना करना है, दैट्स ऑल। बट दोज हु आर वर्किंग प्रोफेशनल, आप कहीं भी चल जाओ, एक तो लेग पुलिंग बहुत ज्यादा होगी, आप किसी भी चीज में ले जाओ, आप स्पोर्ट्स में ले जाओ, एकेडमिकल ले जाओ, इफ यू आर डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ, कोई भी आप प्रोफेशन से रिलेटेड हो, कहीं पे काम कर रहे हो, मल्टीनेशनल में काम कर रहे हो, ऑलवेज यू आर इन टेंशन। अगर आपको कोई अच्छे पैसे दे रहा है, इफ यू हैव अ वेरी गुड जॉब, तो वो क्या है, आपको पूरा 8 to 10 hours दे आर यूजिंग यू, यू कांट स्लीप, आपके माइंड में रात को भी होगा कल मैंने ये काम करना है, ठीक है, कल मुझको ये काम दिया है, मुझको ऑफिसर ने ये कहा, आपके बॉस ने ये कह दिया है। तो ये टेंशन हर आदमी के माइंड में चली रहती है, वेदर यू आर फॉर एनी वर्क, अगर आप लोग खेलते हो, ठीक है, इफ यू आर प्लेइंग, यू आर स्पोर्ट्स पर्सन, और आप ये सोचो कि हमको टेंशन नहीं है, आप किसी भी प्लेयर्स के अगर आप इंटरव्यू पढ़ोगे या सुनोगे, तो आपको पता लगेगा वो क्या है, खेलने से पहले रात को नींद नहीं आई है जी। जब किसी का फर्स्ट डेब्यू होता है ना, जब कोई फर्स्ट टाइम डेब्यू करता है इंडियन टीम के लिए, ठीक है, या अपनी स्टेट की टीम के लिए, इंटरनेशनल लेवल, किसी भी लेवल पे जाता है, तो वो रात को नींद नहीं आती है ड्यू टू टेंशन। आप कोई भी गेम खेल लो, आपका एग्जाम होता है, ठीक है, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं होता है, हाँ नहीं मेरा कल एग्जाम है, अच्छा होगा नहीं होगा, तो दैट इज टेंशन, और उसको आप सिर्फ योगा मेडिटेशन से ही दूर कर सकते हो, देयर इज नो अदर। कि आप डॉक्टर के पास जाओगे, टेंशन है जी, वो भी बोलेगा आपको सोचना नहीं है ज्यादा। तो दिस इज द ओनली वन वे टू रिमूव योर टेंशंस। अगर हम योगा करते हैं, आसना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपको टेंशन एकदम आपकी दूर हो जाएगी। आप क्रिकेट खेल रहे हो, हॉकी खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, स्पोर्ट्स में भी मेडिटेशन बहुत ज्यादा करवाते हैं, और बहुत ज्यादा रोल है योगा का स्पोर्ट्स का, मेडिसिन स्पोर्ट्स में, मेडिसिन जो आपको स्पोर्ट्स मेडिसिन है जैसे, वैसे ही आपका स्पोर्ट्स के साथ स्पोर्ट्स साइकेट्रिस्ट होते हैं, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस को आपको साइकोलॉजिकली बूस्टअप करते हैं, ठीक है, मेडिटेशन करवाते हैं, आपके माइंड को बिल्कुल फ्री फ्रेश रखते हैं, ताकि आप ज्यादा सोचोगे नेचुरली क्या होगा, ज्यादा सोच के आपका जो परफॉर्मेंस है वो डाउन ही होती है। तो टेंशन आज की डेट में ये सबसे मेन प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको हमने दूर करना है, तो वी हैव टू टेक पार्ट इन डिफरेंट योगिक एक्सरसाइजेस। देन जैसे आपका अगर टेंशन आपकी रिमूव होती है, तो आपका क्या नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है, कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन आप कैसे बना सकते हो, जब आपका बिल्कुल माइंड फ्रेश होगा, ठीक है, आप बहुत ज्यादा नहीं सोचोगे, आपने कोई भी, अगर हम जितनी भी योगा में मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, डिफरेंट आसन्स करते हैं, दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर योर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। सम ऑफ आसन्स आर दे आर वेरी गुड फॉर योर कंसंट्रेशन, माइंड स्ट्रेंथनिंग जिसको हम बोलते हैं, आपके माइंड का, आपके ब्रेन को स्ट्रेंथ करते हैं, स्ट्रेंथनिंग का काम करते हैं, अगर आप उनको रेगुलर करते हो। और सबसे मेन बात क्या है, इट इज वेरी इजी टू परफॉर्म, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होती है व्हाइल यू आर परफॉर्मिंग दिस आसनास। अगर सपोज आपने कोई भी आसन्स करना है, ठीक है, कोई भी योगा के कोई भी अपने आसन्स करने, यू नीड नथिंग, आपको एक मैट चाहिए, यू कैन सिट एनीवेयर, घर पे कहीं पे भी आप मैट लगा के उसको कर सकते हो, देयर इज नो इक्विपमेंट, आपको कोई वहां इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी एक्सटर्नल कोई चीज की जरूरत नहीं है, यू जस्ट कहीं पे भी आप अपने बैठ के उसको, आप किसी भी आसन को इजिली यू कैन परफॉर्म। देन आपका स्ट्रेंथनिंग योर इम्यून सिस्टम, अगर जो आप एक्सरसाइज करते हो, आप डिफरेंट आसन्स करते हो, अब नाउ अडेज यू कैन सी, आपको इवन डॉक्टर्स बोलते हैं ये आसन्स करो आप, ठीक है, आपको जितने भी कोई माइनस कोई प्रॉब्लम है किसी को, ठीक है, तो वो डिफरेंट उन्होंने आसन्स कहा है, दैट आसन्स इज वेरी गुड फॉर पर्टिकुलर थिंग्स, आपको बैक एक है, आपको स्पॉन्डिलाइटिस है, आपको जितना भी, अगर इफ यू हैव गॉन थ्रू द विद द रामदेव का अगर कोई देखते हो सुबह, ठीक है, तो वो आपको एक एक चीज माइन्यूटली बताएंगे, बट इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, ये मेडिसिन नहीं है कि आपने गोली अभी खाई और जस्ट आप ठीक हो गए हो, ठीक है, ये क्या है, ये किसी भी, अगर कोई भी आपको किसी को भी कोई डिजीज है, उसको वो क्या करते हैं, उसकी रूट कॉज को
देख के, जैसे हम एलोपैथिक देखते हैं, आयुर्वेदिक देखते हैं, होम्योपैथिक देखते हैं, ठीक है, उनका जो क्योरिंग स्टाइल है वो डिफरेंट है, ठीक है, जो सर्जरी है दैट इज डिफरेंट। तो ये आपको बेनिफिट इसका बहुत ज्यादा है एक्सरसाइजेस का। नेक्स्ट इसमें आ जाता है इम्प्रूव योर बॉडी सिस्टम। आपके जितने भी बॉडी सिस्टम है, एज आई अर्लियर टोल्ड, देयर इज अ डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट क्रियाज टू क्लीन योर बॉडी सिस्टम, ठीक है। तो उससे आपका क्या होता है, बॉडी का जो सिस्टम है वो इम्प्रूव होता है। जैसे हम प्राणायाम करते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका इम्प्रूव होता है। देन नेक्स्ट इज मेन आपका होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप योगा एक्सरसाइज आसन कर रहे हैं तो इसका मेन जो बेनिफिट है, जो इम्पोर्टेंस मेन है, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप में कॉन्फिडेंस बहुत आता है, आपने देखा होगा, या आपके नियर बाई अगर कोई पार्क्स होंगे, ठीक है, हर जगह, हर सिटी में, हर टाउन में नाउडेज देर इज अ डिफरेंट योगा एक्सपर्ट्स। आप किसी भी अपने सराउंडिंग में देखो, कहीं पे भी पार्क होगा, पीपल दे आर मोस्टली गोइंग फॉर योगा इन मॉर्निंग। आप अपने मैट उन्होंने उठाए होते हैं और वहां पे कोई ना कोई एक्सपर्ट योगा का होगा जो उनको डेली योगा की एक्सरसाइज कराते हैं। पीपल दे आर वेरी रेगुलर, वेरी पर्टिकुलर रिगार्डिंग दिस। तो दिस इज वन ऑफ द मेन कि आपको अगर योगा करते हो तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। आप में एक अपने आप में लगता है कि मैंने ये एक्सरसाइज की है, यू फील, आपको अपने आप ही फील होगा कि नहीं मैं एनर्जेटिक हूं, मुझमें ज्यादा क्या होगा, एनर्जी आ गई है। तो उससे क्या होगा, आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा, और सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द मेन फॉर परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटीज रिगार्डिंग योर एकेडमिकली, योर स्पोर्ट्स, एनीथिंग। द वे यू एंटर इन द ग्राउंड दैट विल शो योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो किसी को भी प्लेयर को अगर आपने देखना कभी मैच से पहले, उसकी जो एंट्री होती है, उसका वे ऑफ वॉकिंग, ठीक है, वे ऑफ, कोई भी प्लेयर जब ग्राउंड में आता है ना, जो अच्छा प्लेयर होगा, तो आप कभी भी देखना उसकी जो एंट्री होगी वो कैसी होगी, कॉन्फिडेंसली। जो फर्स्ट टाइम कहीं बड़े प्लेटफॉर्म पे खेलने जाता है तो वो लिटिल बिट क्या होगा उसके माइंड में, ये होता है कि मैं चलूंगा, मेरे से परफॉर्म होगा कि नहीं होगा, तो वो थोड़ा सा आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में दिखेगा। मींस कि वो जो जिसके पास जितना एक्सपीरियंस होगा, जो जितना आप खेला होगा, वो उतना ही कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंट होके एंटर करता है। तो द वे यू एंटर द ग्राउंड दैट विल शो योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें आता है आपका करेक्ट पोस्चर। इट विल आल्सो हेल्प टू मेंटेन योर करेक्ट पोस्चर। पोस्चर मींस योर बॉडी, वेज ऑफ सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, ठीक है, वो आपका बॉडी पोस्चर होता है, और वो डिफरेंट आसन से हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर हेल्थ। आपके मसल्स को स्ट्रेंथ करता है, बॉडी को प्योरीफाई करता है, ठीक है। देयर इज अ लॉट ऑफ, यू कैन राइट योर ऑन कि योगा से कंसंट्रेशन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, टेंशन रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, वी कैन क्लीन आवर बॉडी एंड इट इज इजी टू परफॉर्म। एटलीस्ट यू हैव टू राइट 10 पॉइंट्स व्हेनेवर देयर इज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। यू हैव टू एक्सप्लेन योगा एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। देन यू वी हैव टू रिमूव ओबेसिटी, डिफरेंट डिजीज को रिमूव कर सकते हैं, हेल्थ एंड हाइजीन इम्प्रूव होती है, कॉन्फिडेंस आ गया है। दिस इज ऑल रिगार्डिंग इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। देन देयर इज अ नेक्स्ट मेन टॉपिक इज एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ योगा, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ योगा हमारे 8 बेटा मेन एलिमेंट्स होते हैं इसके, यमा नियमा, ठीक है। यमा नियमा मीन्स कि आपने यमा को हम डिफरेंट उसमें कर सकते हैं, डिवाइड यमा, ये आपका नंबर 1 है। इसमें डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स आते हैं, डिफरेंट छोटे छोटे उन्होंने वेज मेंशन किए हैं जो अपनी लाइफ में आपने डेली यूज करने हैं। यमा मीन्स कि जो आपका मॉरल डिसिप्लिन है, जो आपकी मॉरल ड्यूटीज क्या होती है,
वो आपके सारे इसमें आते हैं यमा में, नॉन वायलेंस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अहिंसा, नॉन वायलेंस। गांधी जी ने जैसे कहा था अहिंसा, जब हमने इंडिपेंडेंस के लिए, दे आर फाइटिंग, कोई वायलेंस नहीं होनी चाहिए, इंडिविजुअल को कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी दूसरे को उससे फिजिकली और मेंटली हरास या प्रॉब्लम हो। तो ऑलवेज वी हैव टू टेक द नॉन वायलेंस। देन आपका इसमें आ जाता है नेक्स्ट सत्य, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इसमें आपके यमा में आ जाते हैं अहिंसा। अहिंसा मीन्स कि आपने हमेशा कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे फिजिकली और मेंटली किसी को आप हर्ट करें। यू हैव टू टेक केयर ऑफ अबाउट अदर्स, मीन्स कि यू डोंट डू सच एक्टिविटीज विच विल बी हर्ट फिजिकली और मेंटली टू एनी बॉडी। तो दैट इज अहिंसा, जिसको बोलते हैं अहिंसा के मार्ग से। गांधी जी का मेन ये था आपका नारा, व्हेन दे आर फाइटिंग फॉर द इंडिपेंडेंस, कि हम अहिंसा पे, अहिंसा के थ्रू हमने इंडिपेंडेंस अपनी लेनी है। देन इसमें नेक्स्ट आ जाता है सत्य, मीन्स ये दिस इज एट एलिमेंट्स ऑफ योगा। फर्स्ट इज आपका यमा, फर्दर यमा में आपके फोर फाइव ये जो बेसिक्स चीजें हैं जिसको आपने फॉलो करनी वाइल इन योर डेली लाइफ, ठीक है। नॉन वायलेंस हो गया, देन ट्रूथफुलनेस, जिसको हम बोलते हैं सत्य, ऑलवेज यू हैव टू स्पीक ट्रूथ वट सो एवर मे बी द कंडीशन। कोई भी सिचुएशन हो, किसी को अच्छा लगता है बुरा लगता है, बट ऑलवेज यू हैव टू स्पीक ट्रूथ, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सत्य। सम टाइम सच बोलने से भी क्या होता है, आजकल वैसे तो कौन बोलता है, बट नाउ डेज अपने बेनिफिट के लिए लोग कुछ भी बोल देते हैं। बट उनका जो योगा का मेन, योगा ये बहुत पुराने, देखो संत लोगों ने, बड़े बड़े साधु जो हैं, हम जो पढ़ते हैं कि उनकी ईयर्स इतने 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 ईयर्स थी, और इतने इतने ईयर्स तक वो हिमालयंस में अपने कोई पूजा कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई मेडिटेशन करना है, और वो कितने दिनों तक बगैर खाना पिए करके रहते थे। अभी भी ऐसे बेटा बहुत से हठ योगी हैं, आपने कभी देखना हठ योगी, जो कभी वो एक लेग पे खड़े हैं, कोई अपना ट्रीज में ऐसे उल्टे लटके हैं, दे आर हठ योगी। मैं मीन्स कि अगर जो उन्होंने काम करना हठ से करना है, तो इसमें फर्दर आपका हो गया ट्रुथ, अहिंसा, सत्य, देन आपका नॉन वायलेंस, जो नॉन स्टीलिंग है। असत्य को कभी भी आपने छुपाना नहीं है, उसको आपने पब्लिक प्लेस में बताना है। ये लाइफ के आपके एक मॉरल डिसिप्लिन की उन्होंने वैल्यूज की आपको बात बताई है। देन ब्रह्मचार्य, ठीक है, ब्रह्मचार्य का मतलब है कि यू हैव टू लिव अ लाइफ सिंपल एंड बेस्ट, ब्रह्मचार्य जीवन में आपने रहना। देन अपरिग्रह मीन्स कि आप मिनिमम रिक्वायर्ड, कहने का मतलब है लाइफ में आपने कभी झूठ नहीं बोलना है, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ठीक है, नॉन वायलेंस नहीं करनी है। देन मिनिमम रिक्वायरमेंट जो आपकी लाइफ की है, वो आपको जो रिक्वायरमेंट आदमी की होती है हर चीज की आपकी बढ़ती जाती है, बट जो आपको एक को लाइफ में जीने के लिए आपको जितनी मिनिमम चीजों की जरूरत है, दैट यू हैव टू यूज। इन सिंपल वर्ड, अगर सारे लोग, ठीक है, मुझको अगर मोबाइल चाहिए, मुझको गाड़ी चाहिए, मुझको इतने की चाहिए, लेटेस्ट चाहिए, ठीक है, अगर किसी को नीड है, रिक्वायरमेंट है, तो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अगर आप काम करोगे, तो ईच एंड एवरी पीपल इन दिस कंट्री, इन दिस वर्ल्ड, दे विल बी क्या होगा, सेटिस्फाई, उनको खाना सब कुछ मिलेगा। बट नाउ डेज व्हाट हैपन, जिसके पास मनी है दैट इज एक्सट्रीम लेवल पे है, ठीक है, चाइना वगैरह में, वहां पे क्या है, वो जिसकी बहुत ज्यादा इनकम है वो गवर्नमेंट कर लेती है। तो ये कुछ एक चीजें उन्होंने बताई है कि ये आपका एक लाइफ में नियम होना चाहिए, आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। देन इसके आगे यमा में आपके ये फोर आगे है, नॉन वायलेंस, ठीक है, सत्य, ब्रह्मचार्य, देन मिनिमम रिक्वायरमेंट जो आपकी लाइफ है उसको आपने यूज करना है। आपने हमेशा वो चीजें यूज करो जिससे आपको
लाइफ आपकी स्मूथली चल सके। ठीक है, रिक्वायरमेंट तो बढ़ती रहती है लाइफ में, हर चीज, हर आदमी बोलता है मुझको ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो दिस इज फर्स्ट स्टेप, देन नियम, जो आपका नियम क्या होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपका नियम, आपके लाइफ स्टाइल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अब जब आप वर्कआउट करते हो, आपका भोजन कैसा होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। ठीक है, आपका लाइफ स्टाइल कैसा होना, सुच्चा, संतोष, तपस, साफ सुथरा। ठीक है, देन यू हैव टू डू सम मेडिटेशन, ईश्वर जिसको बोलते हैं, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, परमात्मा, ईश्वर, गॉड, व्हाटसोएवर आप जिसको भी मानते हो, ठीक है, उनको याद करना चाहिए। तो ये आपके एक लाइफ का नियम होना चाहिए। ठीक है, अगर उसको आप डेली करते हो तो यू विल बी मोर सेटिस्फाइड। नंबर थ्री पे आपका हो गया आसनास, डेली यू हैव टू डू डिफरेंट योगिक आसनास, आपको आसन करने चाहिए, आपका जो बॉडी पोस्चर होगा वो आपका अच्छा होगा। ठीक है, जो योगा करते हैं, यू हैव सीन द बाबा रामदेव, स्टिल ही इज अ फिट, कोई भी आप देखो उनके आसन कितने अच्छी तरह परफॉर्म करते हैं वो, एनी आसनास, दैट इज देयर फिटनेस लेवल। ठीक है, तो उसके बाद आपका आता है प्राणायाम, प्राणायाम, ये फोर्थ वन हो गया। प्राणायाम में बेटा बहुत सी ऐसी डिफरेंट एक्टिविटीज है। प्राणायाम सिंपल, पहले आपको ये पता होना, ये प्राणायाम क्या है, इट इज ए ब्रीदिंग सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, इसमें थ्री स्टेजेस होती हैं बेटा। एक होता है आपका कुंभक, फर्स्ट आपका होता है पूरका, मींस इनहेल, जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम, जब हम सांस लेते हैं, जब ऐसे सांस को लेते हैं, इनहेल करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पूरका, इनहेल, सांस को लेना। और सांस को जब हम रोकते हैं, जिसको हम बोलते हैं होल्ड, दैट इज कुंभका। ठीक है, आपने ऐसे इनहेल किया, इनहेल कर, इनहेल जब हम करते हैं उसको हम बोलते हैं पूरका, पूरा पूरा सांस अंदर ले रहे हैं, देन उसको होल्ड कर लिया, सांस को रोक लिया, उसको हम कुंभका बोलते हैं। देन जब एक्सहेल करते हैं, रेचका, मींस एक्सहेल, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, ये थ्री स्टेजेस होती हैं। और वो ये डेली आपको करनी चाहिए, सांस को लेना है, रोकना है और छोड़ना है, मिनिमम 40 सेकेंड्स यू हैव टू होल्ड। As you have seen the different viral videos regarding this, how you have to check your lung capacities. Even doctors ने आपको ये COVID उसमें during COVID में भी उन्होंने आपको mention किया था, बड़ी वो different videos आई थी, आपने सांस को रोकना है फिर छोड़ना है, उसमें एक arrow बनी है, आप इतने 40 second plus you can hold your breath or not. ठीक है, जो 40 second से ऊपर breath को hold कर रहा है, it means कि उसके lungs ठीक है। ये यू कैन चेक योर सेल्फ। और अगर डेली आप ये एक्सरसाइजेस करते हैं 100%, इवन दिस वीडियो इज वायरल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो मेडिकल साइंसेस हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने कहा था कि ये आपको एक्सरसाइज अगर आप करते हो तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। आप डेली एक्सरसाइजेस करो लंग्स का, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि योर लंग्स की जो वर्किंग कंडीशन है कैसी है। और ये एक्सरसाइज घर पे सबको करानी चाहिए। एंड यू हैव टू नोट डाउन योर टाइम, टुडे वी विल डिस्कस फर्स्ट फोर, नेक्स्ट फोर पॉइंट वी विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट क्लास।